नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 अगस्त, दिन बृहस्पतिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर लगी मुहर। अब घर बैठे करिए पूर्वजों का पिंडदान। लैंड सर्वे में नई तकनीक का हो रहा इस्तेमाल। बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार के 2 जिलों के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। व्हाट्सएप का बदलेगा रंग, जाने कैसे। एमएस धोनी रांची के ढाबे में दोस्तों के साथ समय बिताते हुए आए नजर। अब खबरें विस्तार से। PGCIL में ट्रेंड अप्रेंटिस के कुल 1027 पदों पर निकली भर्ती। PGCIL की ओर से ट्रेन अप्रेंटिसशिप के बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 8 सितंबर 2024। इस भर्ती में आवेदन के लिए संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, BE, BTEC, BSc इंजीनियरिंग, MBA, PG डिप्लोमा, MSW, बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, लॉ में बैचलर डिग्री आदि किया हो। इसके साथ अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार PGCIL की ऑफिशियल वेबसाइट, हमारे दिए गए स्क्रीन के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इसकी अधिसूचना को भी देख सकते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक में कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटने का निर्णय लिया गया है। नए अंचलों में पटना सदर, पाटलिपुत्र, पटना सिटी और दीदारगंज अंचल शामिल है। इसके अलावा बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए संशोधन नियमावली 2024 को भी स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत सहरसा में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पद सृजित किया गया है। वहीं शैक्षणिक क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्रधानाध्यापक के 116 पद सृजित किए गए हैं, जिसमें अंग्रेजी के 67, भौतिकी के 30 और गणित के 19 पद शामिल है। साथ ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि हर साल 16 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कार्रवाई। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आप vahan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको sarthi.parivahan.gov.in के वेबसाइट पर जाकर अपडेट करना होगा। ये जानकारी हमें IPRD द्वारा दी गई है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे कैमूर के बारे में। कैमूर बिहार का एक जिला है। इसका जिला मुख्यालय भभुआ है। यहाँ प्रकृति का सौंदर्य तो दिखता ही है, साथ ही प्राचीनता, ऐतिहासिकता और अपनी संस्कृति की समृद्धि का भी एहसास होता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से ये जगह बहुत मनोहारी है। यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करकट झरना, तेलहार झरना, रोहतास गढ़ किला, चौरासन मंदिर, तेलहर कुंड फॉल, दुर्गावती नदी। आप चाहें तो इन जगहों को कैमूर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब घर बैठे करिए पूर्वजों का पिंडदान। गया में इस साल पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। अगर आप गया जाने की स्थिति में नहीं है तो बिहार पर्यटन निगम ने ई पिंडदान की व्यवस्था कर दी है, जिसके तहत आप घर बैठे अपने पितरों के लिए पिंडदान करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पर्यटन निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। बुकिंग के बाद पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट और फल्गु नदी के किनारे करवाया जाएगा। इस पूरे कर्मकांड की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, जिसे पिन ड्राइव के माध्यम से आपके पते पर भेजा जाएगा। इस सुविधा का शुल्क 21,500 रुपये है, जिसमें 1,429 रुपये सेवा शुल्क और 5% GST शामिल है। कुल मिलाकर ई पिंडदान का पूरा पैकेज 23,000 रुपये में निर्धारित किया गया है।
अगले माह 2934 पैक्सों में संचालित होंगे कॉमन सर्विस सेंटर। अगले साल तक राज्य के सभी 8463 पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आप नागरिकों को आवश्यक दवाओं की खरीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाने, रेल टिकट और हवाई जहाज टिकट लेने, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और राशन कार्ड बनवाने के लिए साइबर कैफे या संबंधित कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये सारी सुविधाएं अब पैक्सों में ही उपलब्ध होंगी। इस पहल के बारे में सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2025 तक राज्य के सभी पैक्सों में कंप्यूटराइजेशन काम पूरा किया जाएगा। लैंड सर्वे में नई तकनीक का हो रहा है इस्तेमाल। 20 अगस्त से बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। ये सर्वेक्षण करीब 45,000 से ज्यादा गांव में हो रहा है और इस बार इसमें नई तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य सरकार ने एक आधुनिक प्रणाली से नक्शे बनाए हैं और जमीन की मापी भी पूरी तरह से नए तरीके से की जाएगी। इस बार सर्वेक्षण में शामिल अमीन सामान्य काम वाले नहीं है, बल्कि इस जिम्मेदारी को जूनियर इंजीनियरों और सहायक अभियंताओं को सौंपा गया है। इसके साथ ही विशेष तकनीकी मशीनें इस सर्वेक्षण की तैयारी में उपयोग की जा रही हैं, जो जमीन की सही तरीके से पैमाइश सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा बिहार में जमीन के सर्वेक्षण के लिए 9,888 जमीन और कानूनगो समेत अन्य पदों पर नियुक्ति की गई थी, जिनको सर्वेक्षण के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग भी दी गई है। सरकारी योजनाओं के लिए लेना होगा सोशल रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी घटा। बिहार में सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए अब सोशल रजिस्टर नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए ये लाभ मिलेगा। यह सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होगा। इसके साथ बिहार मोटर वाहन नियमावली में संशोधन किया गया है। टू व्हीलर के रजिस्ट्रेशन के लिए अब 1500 रुपये के बजाय 1050 रुपये देने होंगे। ऑटो 5,650 के जगह 1,150 रुपये लगेंगे। वही कैब के लिए 23,500 के जगह अब 4,150 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। वेतन, पोस्टिंग और स्कूल की टाइमिंग पर क्या बोले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हाल ही में शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, वेतन भुगतान और स्कूल टाइमिंग को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक नई नीति लागू कर दी गई है और सभी संबंधित अधिकारी मिलकर इसे अमल में ला रहे हैं। वेतन भुगतान पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सभी शिक्षकों को हर महीने की 2 तारीख तक तनख्वाह मिल जाती है। हाल ही में कुछ विश्वविद्यालय के वेतन के भुगतान में हुई देरी पर उन्होंने कहा कि वित्तीय नियमों के पालन के तहत हुआ है। वेतन संबंधित डाटा की मांग की गई थी ताकि विश्वविद्यालयों और कार्यालयों के ऑडिट में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही आवश्यक डाटा प्रदान किया जाएगा और देय राशि का भुगतान किया जाएगा। व्हाट्सएप का बदलेगा रंग जाने कैसे। व्हाट्सएप का रंग बदलने वाला है। कंपनी जल्द ही यूजर्स के लिए एक नया थीम फीचर रोल आउट करने वाली है। इससे यूजर व्हाट्सएप की थीम को अपने पसंद के अनुसार सेट कर पाएंगे। व्हाट्सएप में आने वाले इस नए फीचर की जानकारी WA बेटा इन्फो ने दी है, जिसमें यूजर ऐप के मेन ब्रांडिंग कलर को भी अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फीचर को टेस्ट कर रही है और इसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप ने ऐप के मेन ग्रीन कलर को 2 अलग थीम में चेंज किया है। खास बात यह है कि इस फीचर के इनेबल होने के बाद अनजान लोगों को आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं दिखेगा। वर्ल्ड क्लास हाईटेक हथियारों से लैस होंगे ATS STF के जवान। बिहार पुलिस के विशेष कार्यबल और आतंकवाद निरोधक दस्ता की ताकत को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गृह विभाग ने इन दोनों विशेष इकाइयों के लिए 20 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरणों की खरीद को स्वीकृति दे दी है। इसमें ATS के लिए 13,82,00,000 रुपए और STF के लिए 6,40,30,000 रुपए शामिल है। इसके साथ ही बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय के लिए 14 नए वाहनों की खरीद की जाएगी, जिसके लिए 3,03,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 40 सीटों वाली 5 वातानुकूलित बसों और 3 ट्रकों को भी खरीद की जाएगी। वही परेड के निरीक्षण के लिए एक महिंद्रा थार की खरीदारी भी की जाएगी।
ऑनलाइन भू लगान के भुगतान में काटी गई अतिरिक्त राशि लौटाएगा विभाग। बिहार में भू लगान भुगतान के दौरान तकनीकी गड़बड़ी के कारण अधिक राशि की कटौती के मामले ने तोल पकड़ लिया है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह ने इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए समर्थताओं को निर्देश जारी किए हैं। सचिव जयसिंह के अनुसार तकनीकी खामी की वजह से ऑनलाइन भू लगान भुगतान के दौरान कई लोगों की राशि में अनावश्यक कटौती की गई है। इस समस्या को लेकर विभाग ने अब निर्णय लिया है कि प्रभावित राशि को वापस किया जाएगा। सचिव ने स्पष्ट किया है कि राशि वापसी की प्रक्रिया के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। बिहार के दो जिलों के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। बिहार के दो जिलों के लिए यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। बता दें कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेनें चलाई जाने वाली है। इनमें से एक ट्रेन सहरसा जिले के लिए और दूसरी ट्रेन सीतामढ़ी जिले के लिए संचालित की जाएंगी। आनंद विहार सीतामढ़ी स्पेशल ट्रेन 31 अक्टूबर 2024 तक अप और डाउन की दिशा में चलेगी। इस ट्रेन के कुल 22 फेरे लगेंगे। यह ट्रेन हर बुधवार और शुक्रवार को दोपहर 11:40 पर आनंद विहार से रवाना होकर अगले दिन 3:45 पर सीतामढ़ी पहुंचेगी। वहीं वापसी करते हुए ये ट्रेन हर गुरुवार और शनिवार को 6 सीतामढ़ी से चलेगी और अगले दिन 6:05 पर आनंद विहार पहुँचेगी। वहीं दूसरी ओर आनंद विहार सहरसा स्पेशल ट्रेन 1 नवंबर 2024 तक अप और डाउन से चलेगी। इस ट्रेन के कुल 55 फेरे लगेंगे। जारी है बरसात में किस मोड में चलाएं एसी। बरसात के मौसम में वातावरण में नमी का स्तर जो है काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में बारिश के मौसम में ड्राई या डीमोडिफाई मोड का उपयोग करना ज़्यादा लाभकारी होता है। इस मोड का मुख्य फायदा ये है कि ये हवा की नमी को ख़त्म कर देता है, जिससे कमरा न केवल ठंडा बल्कि आरामदायक भी रहता है। इसके अलावा ड्राई मोड में कंप्रेसर कम ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे बिजली के बिल में भी कमी आती है। तो आप बरसात के मौसम में अपने एसी को ड्राई या डीमोडिफाई मोड में चलाना ना भूलें। किराए पर घर देने से पहले कर ले ये काम। लोग अक्सर जान पहचान वाले लोगों को घर किराए पर दे देते हैं, क्योंकि उन पर भरोसा होता है, लेकिन कई बार ये भरोसा भी महंगा पड़ सकता है। अगर आप भी किराए पर घर दे रहे हैं तो ज़रूरी है कि रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं, क्योंकि इससे जब कानूनी विवाद उठता है या फिर आपको रेंट बढ़ाना होता है तो इसमें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके पास और एग्रीमेंट नहीं होता है और आप कानूनन मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप घर किराए पर दें तो रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं, उसके बाद ही घर किराए पर दें। ऑनलाइन ओपीडी में बांका जिला पहले पायदान पर। बांका बिहार में ओपीडी सेवा में नंबर 1 जिला बन गया है। बता दें कि बांका जिले के सदर अस्पताल ने ओपीडी में 99 हासिल कर पहले पायदान पर कब्जा जमाया। वहीं बक्सर जिला 98 के साथ दूसरा स्थान पर कब्जा जमाया है। इस सफलता पर अस्पताल के प्रबंधक सुनील कुमार और प्रखंड मूल्यांकन एवं अनुश्रवण सहायक सोनू सिन्हा ने कहा कि ये जिला के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि मरीजों के लिए यहाँ सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधाएँ उपलब्ध है और इनकी समीक्षा रोजाना शाम को ओपीडी समाप्त होने के बाद भी की जाती है। इतना ही नहीं, मरीजों को अब भव्य पोर्टल के माध्यम से केवल एक ओटीपी के जरिए अपनी रिपोर्ट और नंबर प्राप्त हो रहा है, जिससे वे चिकित्सकों से बिना किसी दिक्कत के सलाह ले रहे हैं। बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग केंद्र पटना ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 11 जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं आज से 23 अगस्त के बीच सभी 38 जिलों में झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका में भारी बारिश का अनुमान जताया है और येलो अलर्ट भी जारी किया है। गुरुवार को मौसम का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। सोनपुर में आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट। सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हाल ही में आईडीबीआई बैंक में धावा बोलते हुए करीब 19 लाख रुपए की लूट की है। बता दें कि लुटेरे बाइक पर सवार होकर आए और बैंक के मैनेजर को गन पॉइंट पर रखकर 19 लाख रुपए लूट ली। लूट की इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल पुलिस कर रही है। बिहार के गोपालगंज में मधुबनी के दो युवक शराब के साथ गिरफ्तार।
बिहार के गोपालगंज जिले में मधुबनी के दो युवक को भारी मात्रा में शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर दो अलग अलग कार्रवाई में 534 बोतल शराब जब्त की है। बता दें कि चेक पोस्ट पर जब कार गुजर रही थी तब पुलिस को शक हुआ और जांच के दौरान दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया चालक मधुबनी जिले के झांझरपुर थाना अंतर्गत झांझरपुर गाँव का निवासी ओसामा बदर बताया जा रहा है। वही एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर चार बोतल शराब के साथ मधुबनी जिले के कलवाही थाना क्षेत्र के रार गांव निवासी वरुण यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आगे की कार्रवाई जारी है। लेसी सिंह के साथ दो और नेताओं की बढ़ी सुरक्षा। बिहार में सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सुरक्षा समन्वय समिति ने लेसी सिंह को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। लेसी सिंह बिहार की पहली महिला मंत्री हैं जिन्हें इस उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सूत्रों के अनुसार उनकी जान को खतरा होने की आशंका के चलते ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य देवेश चंद्र ठाकुर और विवेक ठाकुर को भी सुरक्षा के लिहाज से वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ये दोनों सांसद अब वाइस श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे। किडनी चेकअप के लिए सिंगापुर पहुंचे लालू प्रसाद। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बीते दिन दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मिसा भारती भी मौजूद थीं। बता दें कि साल 2022 में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था जिसके बाद से उनकी सेहत में काफ़ी सुधार आया है। अब दो साल के अंतराल के बाद वे फिर से किडनी चेकअप के लिए सिंगापुर पहुँचे हैं। बिहार में 1 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाएगी बीजेपी। बीजेपी बिहार में 1 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाएगी। इसके लिए जिलों के 4 सदस्य टोली का गठन किया गया है। बता दें कि फिलहाल पार्टी के 80 लाख सदस्य हैं और बिहार में 1 करोड़ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होगा। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से सदस्यता अभियान में ब्रेक लगी थी लेकिन अब उसे तीव्र करने का समय आ गया है। तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी सदस्यता अभियान में भाग लेंगे। वही बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि सदस्यता अभियान संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे जितने एक्टिव सदस्य थे उससे अधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लगभग 2 गुना सदस्यों की संख्या बिहार में करनी है। एमएस धोनी रांची के ढाबे में दोस्तों के साथ समय बिताते हुए आए नजर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धोनी जिनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में फैली हुई है हाल ही में वे एक फोटो के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में धोनी अपने करीबी दोस्तों के साथ रांची के एक स्थानीय ढाबे पर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर से उनकी सादगी और दोस्तों के साथ समय बिताने की आदत एक बार फिर से उजागर हुई है। धोनी के फैंस के बीच जब भी ऐसी तस्वीरें आती हैं तो उनके फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बात करें वर्तमान में धोनी की तो वे इस समय ब्रेक पर हैं और रांची में अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशहाल पल बिता रहे हैं। MS धोनी में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1931 में शास्त्रीय संगीत की विशिष्ट प्रतिभा पंडित विष्णु दिबंगर का निधन हुआ था। आज के दिन 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून को मंजूरी मिली। आज के दिन 1988 में भारत नेपाल सीमा पर आए तीव्र भूकंप से 1000 लोगों की मौत हुई थी। आज के दिन 2005 में बांग्लादेश और भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच संघर्ष विराम का समझौता संपन्न हुआ था। आज के दिन 2006 में भारत रत्न शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन हुआ था। आज के दिन 2008 में मून मिशन पर भारत ने नासा से हाथ मिलाया था। आज के दिन 2008 में श्रीनगर और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली कारवां ए अमन बस सेवा फिर से शुरू हुई थी।
गूगल पे पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ऐसे करें डिलीट। सबसे पहले फ़ोन पर गूगल पे ऐप को ओपन करना होगा। अब ऐप ओपन करने के बाद प्रोफाइल पर टैप करना होगा। अब स्क्रॉल डाउन कर सेटिंग पर टैप करना होगा। अब प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर टैप करना होगा। इसके बाद डाटा एंड पर्सनलाइजेशन पर टैप करना होगा। यहाँ गूगल अकाउंट लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्रोम पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब पेज पर स्क्रॉल डाउन कर हर ट्रांजैक्शन की डिटेल अलग से नज़र आ जाएंगे। अब जिस भी ट्रांजैक्शन को डिलीट करना चाहते हैं उसके आगे बने क्रॉस पर टैप करेंगे तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। अगर आप गूगल पे पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को एक साथ क्लीन करना चाहते हैं तो पेमेंट ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटी के नीचे डिलीट पर टैप कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे ज़रूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है कड़ाद, ऑप्शन सी है पराशर और ऑप्शन डी है वात्स्यायन। इसका सही आंसर होगा चाणक्य। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन ए है कांग्रेस, ऑप्शन बी है राष्ट्रवादी, ऑप्शन सी है समाजवादी, ऑप्शन डी है किसान सभा। इसका सही आंसर होगा समाजवादी। हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है EOS-10, ऑप्शन बी है PSLV-28, ऑप्शन सी है EOS-08 और ऑप्शन डी है PSLV-C-25। इसका सही आंसर होगा EOS-8। हाल ही में किसने ICG की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है सुमित प्रताप, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है अमित शाह। इसका सही आंसर होगा राजनाथ सिंह। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है विनय कुमार, अनवर करीम खान, मोतीलाल कुमार, संजीव कुमार, गोनर शर्मा, नूनू गोलू, पंकज कुमार दास, गोस्वामी आनंद, मुन्ना प्रसाद, सादुल्लाह पलवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद सफीउल्ला, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार पसंदीदा मौसम कौन सा है और आखिर क्यों? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।